पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने का मिशन। सूबाई असेंबली का अजलास कल सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर अराकीन कायदे ऐवान को मुंतखब करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से असेंबली सेक्रेटेरिएट को इजलास के बारे में आगाह कर दिया गया। इजलास के हवाले से तैयारियों का आगाज इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सप्तान खान करेंगे। असेंबली इजलास से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम लीगी अरकान असेंबली को 9 बजे पंजाब असेंबली पहुँचने की हिदायत। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जाती उम्रा में अहम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर सीनियर क्यादत की शिरकत। इमदादुल्ला वसाल को नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। साजिद जफर को नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल व इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना देना काबिल मजम्मत है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात आ रहे हैं, अपने लीडर से मुलाकात करनी है। अदालत ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाज़त दी थी। जज साहब ने ऑर्डर अडियाला जेल की इंतजामिया को भेज रखा है। हमें जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है, इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? उमर अयूब की मीडिया टॉक। हमारे लोगों को वो लालच दे के, दबाव में ला के, प्रेशर दे के, अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है, तो मैं इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या से होगी? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। और ये आवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। इलेक्शन में कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। हमारे लोगों को साथ मिलाकर पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाई जा रही है। इस हुकूमत की क्या साख होगी जो हमारे अराकीन को लालच और दबाव डालकर बनेगी? चीफ जस्टिस ने कहा था कि आइन की बालादस्ती करूंगा, अदलिया इंसाफ के लिए खड़ी हो, कानून की पामाली का नोटिस लिया जाए। असद कैसर। पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए शाजिया मरी के नाम पर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद फेवरेट करार। फैसल करीम कुंडी का नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जेरे गौर। सिंध के फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कायद ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुरादा निशा वजीर अला के लिए मजबूत उम्मीदवार फरियाल तालपुर, नासिर शाह और शर्जिल मेमन के नामों पर भी गौर होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। लियाकत चट्ठा के इल्जामात की तहकीकात करने वाली इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का टास्क मुकम्मल। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की तजवीज।
पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरत इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के अब्दुल वासे नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब्दुल वासे को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी जेआईटी तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए सरबराही करेंगे। आईबी आईएसआई पीटीए और नादरा के नुमाइंदे शामिल हैं। जेआईटी आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर की निशानदेही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। जेआईटी के टीओआरस भी जारी कर दिए गए। अमेरिका का पाकिस्तान में सोशल मीडिया की पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। सार्फिन की सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। वॉशिंगटन का एक बार फिर इंतखाबी बेजब्तगियों की शफाफ तहकीकात पर भी जोर। सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। महकमा कानून सिंध ने समरे निगरान वजीर आला सिंध को इरसाल कर दी। वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने से मुतालिक समरी गवर्नर को भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन मौसूल होते ही गवर्नर इजलास बुला लेंगे। अडियाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का मौकिफ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। उम्रे की अदायगी के लिए क्यों इजाजत नहीं दी जा रही। जिन केसेस में असद कैसर मतलूब थे सब में जमानत मिल चुकी है या नहीं, अदालत का इस्तफसार। 6 FIR में असद कैसर नामजद थे, तमाम में जमानत मिल चुकी है, वकील का जवाब। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत की। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम नून हाउस हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना मॉडल टाउन और नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना रिश्वत वसूली का केस। साबिक वजीर की जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। फवाद चौधरी को एंटी करप्शन के स्पेशल जज अली नवाज की अदालत में पेश किया गया। थाना शादमान नजर आतिश केस में असद उमर की उबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने वकला को मुतफारिक दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 26 फरवरी को तलब कर लिया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने परवेज इलाही के साथ उनकी फैमिली की कमरा अदालत में ही मुलाकात कराने की इजाजत दी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की।
निगरान वजीर आजम का काबीना के आखिरी इजलास में तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, हमें अपने मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत है, खुशकिस्मत हूँ मुल्क की खिदमत का मौका मिला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगु। दूसरे इक्तिसादी जायजा के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। वजारत खजाना ने रिपोर्ट IMF को इरसाल कर दी। SOPs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की लॉ में तरमीम नहीं हो सकी। वारंट गिरफ्तारी, शोकॉज नोटिस और उम्रा अदायगी से रोकने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाप्त 3 तक मुलतवी कर दी। अदालत पहले ही आपकी इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज की। कोई एक फैसला दिखा दे जहाँ हतमी फैसले से पहले अपील काबिले समाअत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार, पहले शोकॉज नोटिस पर कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, फैसला महफूज है। अब हमने दूसरे शोकॉज नोटिस के खिलाफ अपील दायर की है। वकील डिप्टी कमिश्नर के दलाइल, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है तो हम पर लाजिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।